राम जी का आगमन हुआ है, भय प्रकट कृपाला भी हो जाएगा, चिंता मत करो, आनंद से मन ही मन गा लो। अरे भगवान राम को तुम्हारे हृदय में आना है, पंडाल में हमेशा आते रहते हैं, हर जगह आते रहते हैं, आज तो धीरे से कोई जान न पाए, धीरे से अपने अपने हृदय में ले लो। और ऐसे लेकर के भय प्रकट कृपाला मेरे लाला आ गए हो, ऐसे करके अपने हृदय में रख लीजिए, धीरे धीरे अपने हृदय में छिपा लीजिए। महाराज भगवान राम के जीवन से, भगवान राम से क्या सीखना है, भगवान राम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, कली युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले हैं, और अचानक उनका गांव से निकाला हो जाता है, राष्ट्र से निकाल दिए जाते हैं वो राम, और लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ा भी तकलीफ नहीं, बल्कि अपनी माँ को ये कहते हैं, माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे अयोध्या के छोटे राज्य को देना उचित नहीं समझा, इसलिए मुझे विराट वन का राजा बना दिया, राम वन गए तो राम बन गए, ये सदा से चलता आया है महाराज, यही सूत्र है जीवन में। अब ये हमको मत बोलो कि हमने कहीं और सुना था, हम तो 5 साल पहले बोल गए, हमारे पास रिकॉर्ड है। हाँ एक सीख, अच्छा ये तो वो भी बोल रहे थे, सब कोई बोलेगा, राम को राम ही तो बोलेंगे, कि कोई राम बोलेगा तो हम घनश्याम बोल देंगे। एक ने कहा महाराज आप कुछ नई कथा सुनाओ, हम कि क्या नया सुनाएं, राम जी का विवाह दूसरे से करा दें, किसी तरह से होगा, क्या नया सुनोगे, वो जो सब बोलते हैं जो सत्य है वही होगा। राम का जन्म हुआ, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इनका प्रेम, हनुमान जी का आगमन भैया, सीता जी का हरण, फिर वहाँ सीता जी का पता ले आए, राजगद्दी पे बैठ गए, हो गया। सिर्फ एक पॉइंट आपसे बात करना चाहता हूँ, दो चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ, एक बात करना चाहता हूँ मंथरा के ऊपर में, राम का परिवार इतना अच्छा परिवार, अयोध्या जैसा परिवार जहाँ स्वयं भगवान मौजूद हैं, लेकिन कैकेयी जैसी माता जो अपने वक्षस्थल से राम को दूध पिला करके बड़ा की है, आज 1.5 मिनट की संगति होती है मंथरा के साथ, कैकेयी की बुद्धि बदल जाती है, और कैकेयी की जब बुद्धि बदल जाती है तो क्या मिलता है कैकेयी को, जिस बेटे के लिए राज्य मांगती है उसे राज्य तो नहीं मिलता है, क्या मिलता है, राम को वनवास, पति को स्वर्गवास, और बेटा गड्ढे खोद करके 14 साल तक रहता है। अगर मंथरा की संगति 1.5 मिनट भी जीवन में आ गई तो राम विहीन हो जाओगे, परिवार विहीन हो जाओगे। इसलिए मैं सदा कहता हूँ, जरा मुस्कुराइए, मंथरा को दूर भगाइए, और मंथरा न भागे तो स्वयं भाग जाइए, और मंथरा का असर पड़ गया हो तो अपने सदगुरु की शरण में चले जाइए, मंथरा का प्रभाव मिट जाएगा। ये जीवन में मंथरा से सीखना है। बताओ अयोध्या जैसे राज्य को छिन्न भिन्न कर देना 1.5 मिनट की संगति, और ये मंथरा कौन है, ये कौन है, दहेज में आई थी, कैकेयी के दहेज में आई हुई है। वो दहेज का सामान बड़ा खतरनाक होता है। वृंदावन के एक बड़े संत थे, बोला जो दहेज में टीबी लेगा वहां को छाती में टीबी होएगा, महाराज ले दहेज में टीबी ले, ये मिलनी ये चलनी ये पढ़नी ये साड़ी ये कपड़ा, कौन से बुढ़िया पुराण में लिखा है, निकालो बुलाओ एक शास्त्र जहां ये लिखा हो, क्या लेना है क्या देना है क्या करना है कहीं पर। ये दहेज लोभी लोग पता नहीं कहां कहां से आ गए, तुम्हारी भुजाओं में बल नहीं है कि अपनी भुजाओं में एक बेटी अपने घर को छोड़कर आ रही है, एक बेटी अपने परिवार को छोड़कर आ रही है, एक बेटी अपने कुल को छोड़कर आ रही है, एक बेटी अपने गोत्र को छोड़कर आ रही है, एक बेटी अपना सरनेम छोड़ के आ रही है, एक बेटी अपने माता पिता को छोड़ के आ रही है, और तुम अपने बाहुओं से उसे कार नहीं दे सकते, उसको मिट्टी तेल में जला देते हो, उससे दहेज लेते हो। अरे लज्जा आनी चाहिए ऐसे पुरुषों के ऊपर, ऐसे समाज के ऊपर। ये तुम्हारे विवाह की प्रवृत्ति है, ये तुम्हारे विवाह की प्रकृति है, ये सनातन धर्म है, इसके लिए तुम बने हुए हो, और तुम्हारे वंश को चलाती है वही बेटी, वंश को चलाती है, उस बेचारी का वंश नहीं चलता, वो अपने पिता के वंश को नहीं चला रही, तुम्हारे बाप का वंश चलाने आई है, उसके बाद भी तुम दहेज की मांग रखते हो, उसके बाद भी तुम उससे सामान की मांग रखते हो, तो कौन मांगता है, तुम ही तो मांगती हो, पुरुष थोड़े ही मांगते हैं। अपने बेटे की बात आती तो भूल जाती हो, किससे मांग रही हो, जब तुम्हारी बेटी की बात आती है, बड़े लोभी लोग हैं बहुत मांग रहे हैं, और तुम बेटा का तो सौदा ही कर गई थी सीधा, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, बेच दिया था उनको। तो यह विकृति है, विकृति को दूर करना है,
दिव्याति दिव्य भाव से एक दूसरा प्रसंग लेता हूँ। देखो मंथराओं के संग में मत रहना, एक दूसरा प्रसंग है। सीता शांति है, सीता भक्ति है, राम परमात्मा है, लक्ष्मण जीवाचार्य हैं, गुरु हैं। आज हो क्या रहा है वन में? आज एक मारीच आ रहा है और वो बन जा रहा है सोने का मृग। परमात्मा सीता के साथ खड़े हैं, पर सीता के मन में, सीता रानी के मन में क्या आ जाता है? मुझे सोने का मृग चाहिए। यद्यपि तात्विक रूप से यह लीला है, फिर बता रहा हूं, यह फिल्म राम और सीता ने मिलकर बनाई है। सीता के ऊपर आक्षेप नहीं, सीता तो जगत जननी है, परंतु अपनी लीलाओं से हमें सीख दे रही हैं। परमात्मा राम सामने खड़ा है, गुरुदेव सामने खड़े हैं, जीवाचार्य। उसके बाद भी सोने के हिरण पर उनका दिमाग चला गया, मुझे सोना चाहिए। 5 भर का हार लाओ 10 भर का हार लाओ। भगवान ने कहा ठीक है, जब मैं सामने हूं फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता, शांति में हो, भक्ति में हो, मैं जाता हूं। राम गए पर लक्ष्मण को छोड़कर गए। जब राम चले गए, मारी चिल्लाया, हा लक्ष्मण कहके। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, राम को मारने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। लेकिन जानकी जी क्या करती हैं, लक्ष्मण जी को बोलने लगती हैं, अरे तेरी भावना को मैं पहचान रही हूं, राम चले गए, तू यहां बैठा हुआ है, बचाने नहीं जा रहा है। अब मुझे मेरी जो शंका थी वो धीरे धीरे, माता सीता ने कुछ कठोर शब्द कहे हैं, कुछ ऐसे शब्द कहे, तब लक्ष्मण जी, जीवाचार्य, मनुष्य क्या करता है, जब तुम्हारे जीवन में शांति हो परमात्मा और गुरु के लेकर के, धर्म को लेकर के, और अचानक धन की लालसा तुम्हारे जीवन में जग जाए, सोना पाने की लालसा जग जाए, गाड़ी पाने की लालसा बग जाए, उसके लिए तुम भगवान भी भेजने को तैयार हो जाओ। भगवान ने कहा मुझे तो त्याग दिया, मैं गुरु छोड़ के जा रहा हूं, लक्ष्मण देखभाल करना। लक्ष्मण को भी जब कठोर शब्द कह दिए तो लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दिया, कोई बात नहीं भाभी, कुछ मत करो, बस इसके बाहर मत निकालना, मैं गुरु तत्व हूं। गुरु तत्व को गाली दी गई, गुरु को बुरा नहीं लगा, पर गुरु ने सत्संग की रेखा खींच दी, इस रेखा के बाहर अपना पांव मत रखना, नहीं तो तुम्हारी शांति का हरण हो जाएगा। पहले तो सोने के लिए परमात्मा का परित्याग किया, और दूसरी बात, गुरुदेव को कठोर वचन कहके गुरु से दूरी बनाई, गुरुदेव के खींचे हुए सत्संग और उनकी वाणी की रेखा का उल्लंघन किया। तब माया और मोह रूपी कोई रावण शांति और भक्ति रूपी सीता को उठा कर ले गया, हरण करके ले गया, अशोक वृक्ष के नीचे लिखा, लेकिन वहां भी शोक में डूबी हुई है। याद रख लेना, दुनिया में अगर परमात्मा राम और गुरु से दूरी हो गई तो कोई अशोक वृक्ष तुम्हारे शोक को दूर नहीं कर सकता, कोई और चीज दुनिया में तुम्हारे शोक को नहीं मिटा सकता। रामायण से ये सीखना है, और क्या सीखोगे रामायण से? एक थे राम एक थे रावण, ना लक्ष्मण जी क्या किए, ये भावना है। राम का परित्याग धन के लिए मत करो, गुरु का परित्याग धन के लिए मत करो, धर्म का परित्याग धन के लिए मत करो, सोने के लिए मत करो, नहीं तो रावण उठा ले जाएगा, शांति चली जाएगी। और आज दुनिया की शांति का ही हरण हो गया है, भक्ति का हरण हो गया है। हर आदमी निराश है, हर आदमी हताश है, हर आदमी दुखी है, क्योंकि परमात्मा गुरु और धर्म का परित्याग करके धन पाना चाहता था, ऐश्वर्य पाना चाहता था, प्रतिष्ठा पाना चाहता था, और आज शोक सागर में डूबा हुआ है, सागर के पार पड़ा हुआ है। कितनी तकलीफ हुई है।